वेलकम एवरीवन, आई एम योर होस्ट एंड दोस्त मिस्टर नकुल एंड यू आर वाचिंग योर फेवरेट चैनल फास्ट एंड फ्यूरियस नकुल। दोस्तों अभी हम ड्राइव करने वाले हैं ह्युंडई एलेंट्रा। एलेंट्रा का इंजन 2000 सीसी का आता है। इसकी पावर आती है 150 bhp और 192 Nm का ये टॉर्क प्रोड्यूस करती है। दोस्तों ये गाड़ी 20 लाख रुपए की आती है और यही इसकी खास बात है कि 20 लाख रुपए में अगर कोई गाड़ी इसकी स्पीड को बीट कर देती है तो कोई भी जो भी बंदा इसकी स्पीड को बीट करेगा अंडर 20 लाख, ये बात आपको ध्यान रखनी है, वो इस गाड़ी को फ्री ले जा सकता है बिल्कुल। तो अभी हम इसका स्पीड टेस्ट करते हैं। फर्स्ट गियर से स्टार्ट करेंगे, 60। अभी थर्ड गियर, सॉरी दोस्तों मैं सीट बेल्ट लगानी भूल गया था। अभी थर्ड गियर में 150, ट्राई पूरा किया लेकिन क्या है ना कि बीच में व्हीकल भी आ गए थे, गाड़ी को थोड़ा स्लो करना पड़ गया था और ये रोड थोड़ा सा इतना अच्छा भी नहीं है। अगर मैं कहता हूँ आपको, अगर हाईवे पे ये गाड़ी चलेगी, अच्छा हाईवे मिलेगा, तो ये अभी फिफ्थ गियर में ही थी, 6 गियर आते हैं इस गाड़ी में। एक बार इस पर भी थोड़ा ट्राई कर लेंगे। अगर ये 6 गियर में थोड़ा 2-3 मिनट तक चल गई तो ये आप लगा लीजिए 240 तक जा सकती है आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि इस गाड़ी की स्पीड गेनिंग जो है वो रुक नहीं रही, वो लगातार चलती रहती है। तो हम ये नहीं मान सकते कि ये गाड़ी कहीं भी स्लो होगी। यहाँ ब्रेक कराएगा, बस ये दिक्कत है इस रोड पे। मेरे ख्याल से जो ट्राई किया हमने अभी वो बेस्ट है और ज़्यादा ट्राई नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये रोड इतने अच्छे नहीं है, यहाँ पे एक्सीडेंट होने का बहुत खतरा है। देख रहे हो अभी स्कॉर्पियो चल रही है आगे, इसके आगे स्विफ्ट डिजायर चल रही है, फिर ट्रक है, फिर एक ऑल्टो है, फिर आगे कितने 3-4 ट्रक और हैं। नहीं कोई फायदा नहीं है, नहीं बढ़ने की बात। तो दोस्तों जो भी है, जो हमने ट्राई लिया है अभी 216 तक का, फिफ्थ गियर में थी, वैसे मेरा मानना यह था कि कम से कम 220 तक चली जाएगी, बीच में वो व्हीकल आ गए जहाँ पे कट मारना पड़ गया उस वजह से थोड़ी दिक्कत होगी। कोई बात नहीं, आपको फिर इससे भी ज़्यादा स्पीड दिखाऊंगा, लेकिन आपको करना क्या है कि आपको अंडर 20 लाख कोई भी कार आपके पास है, आपको उसकी एक वीडियो बनानी है और मेरी ईमेल आईडी rajputarjun1990@gmail.com पे भेजनी है मेरे पास, और आप इंस्टाग्राम पे भेज सकते हैं। इंस्टाग्राम पे मेरी आईडी है नकुल बॉक्सर, NAKULBOXER। तो आज की वीडियो में यही था, मैं ये गाड़ी 4 साल से ड्राइव कर रहा हूँ और कसम से दोस्तों मेरे को फीलिंग आती है कि ये गाड़ी पैसा वसूल गाड़ी है, लेकिन फिर भी इस गाड़ी की सेल इतनी कम है। मैं आपको बताऊं, एक साल में ये गाड़ी 20 और 25 के बीच बिकती है, ये कोई नंबर नहीं है, तो यूं लगा लो आप, इतनी अच्छी गाड़ी होने के बाद भी इसका इंटीरियर इतना प्यारा, आप इसका कॉम्बिनेशन देखिए कैसा, वाइट गाड़ी और अंदर इंटीरियर एकदम ये डार्क ग्रे, कोई बंदा मॉडिफाई भी करवाता है तो भी इतना अच्छा इंटीरियर नहीं बन पाता, और ये कंपनी खुद दे रही है। और इस गाड़ी को अगर आप प्यार से चलाते हैं ना, तो ये
20 तक आपको माइलेज भी दे सकती है हाईवे के ऊपर। सारी खूबी है इस गाड़ी के अंदर, ये भागती भी बहुत तेज है, ये माइलेज भी बहुत अच्छा देती है, और उससे भी अच्छी इसकी ब्रेकिंग है। इसकी ब्रेकिंग ने तो मेरे को इतनी बार बचाया है, क्योंकि ये ABS और EBD के साथ आती है, तो जो एडवांस ब्रेकिंग सिस्टम है वो है इसके अंदर। अगर आप ये गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं तो आपको कहीं भी घबराने की जरूरत नहीं होती, आप ब्रेक लगाएंगे बस ये गाड़ी प्यार से रुक जाएगी। ऐसा नहीं है कि किसी को ज़्यादा ही नॉलेज की ज़रूरत है, हैंड ब्रेक खींचना है या कुछ गियर शिफ्टिंग करनी है, डाउन गियर मारना है, ऐसा कुछ नहीं करना। इस गाड़ी में अगर आप 200, 300, 400 किलोमीटर का भी सफ़र करेंगे तो आपको थकान महसूस नहीं होगी। इस गाड़ी के कितने फ़ायदे हैं। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में यही ख़त्म करते हैं। बाकी आपको चैलेंज मिला है, देखते हैं इस चैलेंज पे क्या रिस्पॉन्स देते हैं आप। और टाइम भी नोट करना है, ये नहीं है कि मैंने अभी 216 पे भगा दिया है और आप किसी हाईवे पे भगा रहे हो और आप उसको बस भगाए जा रहे हो धीरे 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 करके वो 10-15 मिनट में जाके 216 तक पहुँच गया, ऐसा नहीं। जितने टाइम में अपनी एलेंट्रा पहुँची इतने टाइम में ही पहुँचनी चाहिए।